Thank you. चौका में कोई मजाक बोले ओके okay, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सीजन टू आ रहा है, हमने देखा कि 2.2 मिलियन क्रॉस कर चुका है, इतना तो ट्रेलर को भी नहीं आता है, फिल्म के ट्रेलर को भी इतने व्यू नहीं आते, तो ये जो क्या कुछ फीलिंग नजर आप लोगों में कुछ बनाना चाहिए अब सीजन टू को लेकर? मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमारा जो पूरा काम है उसका मेन प्लेटफॉर्म ही इंटरनेट है, तो अगर हम सब लोग सारे लोग मिलकर शेयर करेंगे तो आई थिंक 2.2 मिलियन तो ठीक ही है, मतलब कि ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अमेजिंग है, ऐसा नहीं ख़राब है, पर ठीक है हमारे हम क्योंकि आप देखिए हमारा पूरा बिजनेस मॉडल इंटरनेट पे बेस्ड है, तो उसके इतने 2.2 मिलियन तो फिल्मों के नहीं आते तो हम क्या करें? आई थिंक दे नीड टू अप देयर गेम। मैडम या सॉरी सो द क्वेश्चन इज दैट लाइक 2.2 मिलियन व्यू आ चुके हैं, सो द ट्रेलर हैज गॉट 2.2 मिलियन व्यूज, टीजर या आई मीन सॉरी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है मगर मैं ट्राई कर रहा हूं, मगर ये अच्छा न्यूज़ है, दैट जस्ट मीन्स दैट यू नो मोर पीपल आर एक्साइटेड अबाउट द नेयर सीजन दैट्स कमिंग व्हिच पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू सीजन दैट्स व्हाट इट मीन्स एंड दैट मीन्स दैट होपफुली दीज व्यूज ऑफ द टीज़र विल ट्रांसलेट टू द व्यूज ऑफ द एक्चुअल शो एंड वी गेट अ लॉट मोर पीपल एंजॉयिंग द कॉमेडी वी आर डूइंग एंड द कॉमेडी दैट वी आर पुटिंग आउट देयर। हाँ जैसे जाकिर ने कहा कि हमारा एंटायर इंडस्ट्री और ऑडियंस इंटरनेट पे है, तो ये आई थिंक 2.2 से ज़्यादा आई एम एक्सपेक्टिंग, बट इट्स अ टीज़र तो ट्रेलर के लिए और भी ज़्यादा यू नो बज़ मिलेगा क्योंकि यू कैन फाइनली सी द कंटेस्टेंट्स प्रॉपर्ली। इस बार 10 नए कंटेस्टेंट्स हैं और उनके जोक्स बड़े एजी हैं कम्पेयर टू फर्स्ट सीजन, तो आई एम एक्साइटेड, टीज़र के लिए इतना रिस्पॉन्स मिला तो ट्रेलर इज़ गोना बी इवन बेटर। धमाका होगा जैसे ही आप अपने फ़ोन में चालू करेंगे फट जाएगा, इतना ज़बरदस्त धमाका होगा, आग होगा, बवाल होगा, ठीक है, हाँ ना, और आप देखेंगे व्यूज़ की सुनामी आएगी, ठीक है, इतना कमाल का ट्रेलर होगा, हाँ हमने भी नहीं देखा पर हमें उम्मीद है कि वो इस तरह का होगा, क्योंकि क्योंकि क्या होता ना कि वो कहते हैं ना कि शहर आने वाला है और उसके पहले के गांव बता देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही कि हमें शहर से बहुत उम्मीद है, हमें शो से बहुत उम्मीद है, तो हमें मालूम है कि जो भी टीज़र ट्रेलर आएगा वो अगर सिर्फ उसका अगर 0.1% भी रिप्रेजेंट कर देगा तो भी बहुत बड़ा धमाका होगा। आपको भी ऐसी उम्मीद है कि सुनामी आने वाली है? हाँ पर्सनली मुझे आई थिंक सबके फ़ोन सिंक में फटेंगे ट्रेलर के दिन, तो सबको लगे कि हमारा फ़ोन इस दिन में पर्टिकुलरली 12 PM को क्यों फटा है, फिर वो रिसर्च करेंगे, फिर अखबार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारे फ़ोन फट गए, अखबार में पढ़ेंगे कि पर कौन से सेल फोन क्योंकि नए फ़ोन खरीदेंगे फिर लोग, हाँ वो भी आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, प्लान इज वही, तो कॉमिकस्तान इज नॉट द पॉइंट इज दैट पीपल बाय न्यू फोन्स ऑन अमेज़न, दैट्स द होल प्लान। Also, ये नया सीजन में वी हैव न्यू जजेस, या यू नो, सो यू विल सी ऑल ऑफ दैट इन द ट्रेलर, वी गॉट न्यू जजेस, वी गॉट अ न्यू होस्ट, या सो वी चेंज्ड सम थिंग्स अराउंड एंड ट्रेलर में यू विल सी ऑल ऑफ इट। जाकिर हमारे परिवार में आ गए हैं अभी, या जी सो वन ऑफ द सरप्राइजेस, इनका लेवल तो अलग है, मतलब कॉमेडी का लेवल ऑफ कोर्स देखते अलग है, और मैंने नोटिस किया आप तीनों जितने भी हैं तीनों या और भी जो यहां पर नहीं है सभी का कॉमेडी लेवल काफी डिफरेंट है, जी आपका तो मैं देखता हूं कि हर दूसरी ऑडियंस आपकी कॉमेडी से कनेक्ट करती है, हां ऐसा मेरे साथ हुआ, तो थोड़ा बताइए कि जरा कि और क्या कुछ इसी तरह का कुछ देखने को हमें मिलने वाला है। हां पहली बात तो ये कि मेरे साथ बहुत सारा हुआ हुआ है, तो ठीक है ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत हुआ हुआ है तो बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस हो जाता है, लोगों को भी लगता है कि उनके साथ हुआ हुआ है, और एज एन आर्टिस्ट वही तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि सबको लगे कि उनकी कहानी चल रही है, जैसे जो मेरा स्पेशल था अक्सर सिंगल अमेज़न पे ये वो भी उसमें पहला ही स्लेट पे मैंने फरहत शहजाद साहब का एक शेर कहा था कि मेरी सब बातें हैं बातें तुम्हारी, मेरा अपना कोई किस्सा नहीं, ठीक है,
तो वो एज एन आर्टिस्ट जितना ज़्यादा रिलेटेबल होगा उतना ज़्यादा वो है ना कि अगर दुख रहा है तो दिल है वाली बात है एक बात वो, दूसरी बात ये कि कॉमिकस्तान दूसरा क्या हिस्सा था आपके सवाल का, ये नॉर्मल कि इसमें कैसे हाँ लेवल कौन सा लेवल आपको देखना है तो लेवल बाकी जो हाँ तो मैं कहता हूँ कि हर आर्टिस्ट का मोटिव ही ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों को छुए, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। वही सब कोशिश हम सातों भी करते हैं, वही सब कोशिश जो हम नो इंक्लूड बोथ द होस्ट ऑल्सो अभीश और उरुज को भी, हम सारे आर्टिस्ट चाहे वो कोई राइटर हो चाहे कोई एक्टर हो पेंटर भी हो, हम सब कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो जो 10 कंटेस्टेंट हैं वो भी इससे छूते नहीं हैं, इससे बाहर नहीं, तो वो भी अपनी तरह से अपनी अपनी समझ और समझदारी के हिसाब से वही कोशिश उसी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे ख्याल से उसमें से बहुत सारे लोग हमें उम्मीद है कि कामयाब भी होंगे ज़िंदगी में आगे, और शो में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल, आप होंगे कामयाब। जी बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे आपका किस लेवल पर, कौन सा लेवल हमें देखने को, हाई लेवल, लो लेवल? 7.5 क्योंकि ये शो जस्ट जजेस और होस्ट के बारे में नहीं है, कंटेस्टेंट के बारे में। तो आई थिंक हमने इस सीज़न में हमारा पोजीशन बहुत क्लियरली देख लिया कि हम मेंटर हैं और कंटेस्टेंट्स को हाई लेवल पे पहुंचाने का गोल हमारे पास है। तो सो इस बार हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत क्या बोलते हैं बहुत सीरियस एजेंडा से आए कि हम ये जीतना है। वो पहले सीज़न में आई थिंक सब खेल रहे थे, फील कर रहे थे क्या है, और इस सीज़न में लाइक नहीं हम जीतने आए हैं, तो वो कंपेटिटिवनेस हमने देखा और इट्स प्रीटी कूल। तो आई थिंक कंटेस्टेंट्स को आप एक नेक्स्ट लेवल में देखोगे इस सीज़न में, क्योंकि आई थिंक द फोकस अभी उनके ऊपर है ज़्यादा, पर हम बस क्या बोलते हैं हम पौधों में जिस पानी डाल रहे हैं। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैडम, व्हाट्स द क्वेश्चन? सो द क्वेश्चन इज दैट बिकॉज़ वी ऑल टू सो व्हाट पोजीशन वी होल्ड इन द सीजन, आर वी गोइंग टू बी फनियर और फनियर आवर लेवल? आई थिंक मोर देन levels, I think in Comicstan you'll see us, people do different kinds of comedy, and when they're doing different kinds of comedy with improv, observational and stand-up, or anecdotal stand-up, or political, topical and stand-up, or sketch, or the levels will change because people will be, you know, if he's good at storytelling, you'll see him really shine in storytelling. If I'm good at improv, you'll see me shine more in improv, etc., etc. And I think that's what happened with the contestants also. Like, you'll see in different episodes, the levels go up and down as they try new comedy, different types of comedy that they are not familiar with. So I think that's, you'll see that it'll be a graph constantly until the end when the winner is announced. And aap se jaana chahunga ki aap flight mein hain and flight aapki aise announcement ho rahi hai ki flight ka kuch part ya flight kaam nahi kar raha jitna humne teaser mein dekha, to aap bataiye aapka kya reaction hoga? Like aap wahan se jump karna chahenge, jitne bhi log hain unke sath mein comedy karna chahenge, ya aap unhe kuch suggestion denge ki dekhiye bhai jaisa teaser mein ho, aap bataiye aap kya karna chahenge agar aapki aise life mein हाँ, आई थिंक मैं जोक सुना दूंगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, क्योंकि देखो यार, जब मर ही रहे हैं लोग है ना, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, और ये लोग अगर इनमें से अगर 8 लोग भी डरने की बजाय हंसते हुए मरेंगे तो उससे मेरे लिए शायद मेरे जन्नत में 5 नंबर बढ़ेंगे है ना, तो मैं डेफिनेटली मैं जोक सुना दूंगा उस सिचुएशन में, क्योंकि क्या है कि ज़िंदगी में रोना धोना तो बहुत है ही साहब। ठीक है, 4 हंसी के पल हैं, 2 बातें दिल को छू जाए, यही तो काम। ठीक है, कौन सा जोक सुनाएंगे आप, क्योंकि आपके पास तो ऐसे हम कह सकते हैं भंडार है। नहीं 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 है मेरे पास, एकदम खाली झोला है मेरा आज। मैंने आपको देखा है कॉमेडी करते हुए, ऐसा नहीं हो सकता आपके पास कभी खाली भंडार हो ही नहीं सकता, तो जरा कोई एक निकालेंगे आप अपने इक्के में से, एक मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या रहता है, एक पूरा उसका अपना एक प्रोसीजर माहौल होता है। जोक जो है कॉमेडी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आपको इंसान पसंद नहीं ना तो जोक फनी नहीं लगता। ठीक है ना, तो इसलिए वो शो का कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कभी फेसबुक पे देखिएगा, तो बस वहाँ आपको जोक मिल जाएगा। आज तो बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कि जोक करना कोई मजाक नहीं है। हाँ, तो आप बताइए कि अगर आपकी फ्लाइट होने वाली है, आई थिंक उस समय में मैं ऑपोजिट करूँगा, मैं सबको रुलाऊंगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में मैं लोगों को हंसा, तो अगर जब मैं मर रहा हूँ एक दिन मुझे हॉलीडे चाहिए
एक्चुअली आइडियली कोई मुझे हंसना चाहिए क्योंकि पूरी जिंदगी में दूसरे लोगों को हंसा अब मैं मर रहा हूँ प्लेन में कोई मुझे नहीं हंसा रहा तो आई विल बी प्रीटी अपसेट आई थिंक दैट इज माय सोच I think if I was on a plane and it was going down, yeah. I'd want to, instead of jokes, I want to play games. Main game khelta. Antakshari ho gaya. Antakshari. Because it'll be fun. If you're going to die, you might as well die having fun. That's so I'll play some games, some maybe name place thing, animal thing. Yeah. Aajkal Ludo bahut hi ye chal raha hai. Yeah, Ludo. On the aeroplane and everything shaking. Yeah. Yeah, I'll want to play games. Yeah. Okay, so, agar शो की बात करूँ तो हमने देखा है कि जब भी आप कहीं भी आप शो करते हैं तो लोग ऐसे बहुत ही ध्यान से देखते हैं सो इस तरह का शो जैसे हमने देखा है कपिल शर्मा का शो आता है इस तरह का शो टीवी पर भी कोई कुछ ऐसे आपका कुछ नया कुछ करने का अंदाज कि आपके कॉमेडी लेवल तो सभी जानते हैं इस तरह का कुछ आप आगे आने वाले दिनों में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कोई कॉमेडी शो इस तरह से करने को जहाँ ढेरों सारे सेलिब्रिटी आए और मतलब ये तो वैसी वाली बात है ना कि आप कार खरीदेंगे क्या या आप बंगला बनाएंगे क्या घर बनाएंगे मतलब ये वैसा वाला यार कि सबकी अपनी अपनी गति है जीवन ठीक है मैं अपनी गति से चल रहा हूँ आप अपनी गति से चल रहे हैं और गति में गति जब मिलती है तब काम अच्छा होता है तब या गति में गति जब नहीं मिलती तो काम खराब होता है तो मेरा अपना करियर ट्रेजेक्ट्री है एक मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ है मेरी जिसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ उसके लाइन में टीवी ना अभी तो फॉल नहीं करता है ठीक है मैं जिस तरह के लोगों को केटर करना चाहता हूँ मैं जिन लोगों से बात करना चाहता हूँ है ना वो उसका समन्वय नहीं बैठ रहा जो टीवी मुझसे चाहता है ठीक है तो आने वाले साल दो साल में आई थिंक ये दोनों बदलेंगे शायद वो थोड़ा फिक्स होंगे मैं थोड़ा सीखूंगा तो उसका जब गति में गति मिलेगी टेलीविजन और मेरी तब डेफिनेटली आप भी देखेंगे एक शो आएगा है ना पर अभी के लिए तो कोई प्लान्स नहीं है क्योंकि आपकी जो पूरी टीम है वो मैंने नोटिस किया कि बहुत ही स्ट्रांग है जी कि प्लीज़ कॉमिक सेंस सीजन 2 देखिए अगर आपको पहला सीजन अच्छा लगा तो ये और भी अच्छा लगेगा और एक ये शो का आई थिंक बहुत ऑथेंटिक है और इस शो में ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है तो शो इज़ अबाउट द कॉमेडी इट्स फोकस्ड ऑन द कॉमेडी एंड द कंटेस्टेंट्स एंड व्हाट दे आर डूइंग एंड So you'll also learn a lot about comedy, I think, or like at least what we are doing in India. Yeah. So that's something to look forward to. Streaming होने वाला है तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये सबसे कमाल की बात है कि घर पर में आपको एक्टर मिल जाएगा सिंगर मिल जाएगा कॉमेडियन नहीं मिलता है है ना क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गाना आप घर पे बैठ के गा सकते हो ठीक है एक्टिंग आप शीशे के सामने कर सकते हो और कॉमेडी आप अकेले नहीं कर सकते आपको लोग चाहिए ही चाहिए होते हैं उसके लिए तो इसीलिए कॉमेडी के टैलेंट हंट शोज़ उतने ज़्यादा नहीं हो पाते या चल नहीं पाते ठीक है पर कॉमिकस्तान में हमने वो मीटर क्रैक किया है जिसके अंदर वो लोग जो कॉमेडी में इंटरेस्टेड है चार पाँच साल से कर रहे हैं हम उनको लेके आने की कोशिश करते हैं तो वो सारा हिंदुस्तान का जो ऑडियंस है जो कॉमेडियन बनना चाहता है जो एस्पायर करता है फ़नी होना वो जब ये शो देखेगा तो ना सिर्फ वो शो इन्जॉय करेगा बट ये भी सीखेगा कि अच्छा तो टॉप लेवल पर किस लॉजिक से लोग काम करते हैं वो क्या अंडरस्टैंडिंग है अगर मान लीजिए कनीज इम्प्रोव के बारे में बात कर रही तो वो क्या इम्प्रोव के गुर हैं जो वो घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं ठीक है अगर कैनी एक किसी सब्जेक्ट के बारे में कॉमेडी कर रहे हैं तो कैन वी रिवील हाँ ऑल्ट कॉमेडी के बारे में अगर कैनी बात करें कि टॉपिक लेस और अल्टरनेट तरीके से कैसे कॉमेडी करते हैं तो ना सिर्फ वो शो देख के जोक्स पर हंसेंगे पर वो सीखेंगे भी उससे तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मेरे लिए जो सबसे बड़े शो का जो सबसे बड़ा मेरिट है वो यही है कि ना सिर्फ वो आपको हंसाएगा पर आपको कॉमेडी सिखाएगा भी तो जो ऑडियंस है उसके लिए जोक्स हैं और जो सीखने वाला है उसके लिए ज्ञान है चलिए आई विश कि ये जो आप लोग का शो है आप लोग की जो कॉमेडी लोगों को हंसाएगी और सिखाएगी थैंक यू जी थैंक यू सो मच थैंक यू बाय